चलिए फ्रेंड्स, आज आलू के पराठे बनाते हैं। आलू के पराठे हम सभी को बहुत अच्छे लगते हैं खाने में और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 5-6 कलियाँ लहसुन के लिए है, 1 गांठ प्याज की बारीक काट ली है, हरी मिर्च पत्ती, लहसुन को हल्का सा क्रश कर लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कुछ सूखे मसाले लिए हैं जैसे सौंफ, खड़ी धनिया कुटी हुई, काली मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। इसके बाद उबले हुए आलू लिए हैं, उनको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। मैशर की सहायता से चाहे हाथ से आप जैसा चाहें अच्छे से उसको बारीक बारीक मैश कर लेंगे। इसके बाद गैस पर हम पैन चढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद जीरा डालेंगे और सौंफ का छौंक लगाएंगे। सौंफ ज़रूर डालें, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। खड़ी धनिया को भी उसी के साथ डाल देंगे। खड़ी धनिया को मैंने थोड़ा सा कूट लिया था, हल्का सा, 2-2 दाने हो गए हैं। इसके बाद हरी मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साथ में प्याज डाल देंगे, सभी को अच्छे से चला लेंगे ताकि मसाले जले ना। प्याज जैसे ही थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो हमने जो लहसुन को कूट के रखा था उसको डाल देंगे। प्याज के साथ लहसुन भी अच्छी थोड़ी देर भून लेंगे। ताकि लहसुन का कच्चापन निकल जाए। थोड़ी देर में आप देखेंगे प्याज अच्छे से भुन गई है, लहसुन भी भुन गया है। फिर कुछ सूखे मसाले डालेंगे जैसे हल्दी, पिसी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, इन सबको भी अच्छे से डाल के चला लेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी रखेंगे। इसके बाद जो मसाले हमने तैयार करके रखे थे सूखे, उनको भी डाल देंगे। काली मिर्च, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, इन सबको भी डाल देंगे। साथ में इनको भी चला लेंगे, थोड़ी देर इनको भी भून लेंगे। इसके बाद हमने उबले हुए आलू जो मैश करके रखे थे उनको डाल देंगे। मसालों के साथ आलू को 5 मिनट तक थोड़े अच्छे से भूनेंगे। आप ध्यान रखें आलू चिपचिपे ना हो, सूखे वाले आलू हों, नहीं पराठे फट जाते हैं, अच्छे नहीं बनते। आलूओं को अच्छे से मिला लेंगे मसालों के साथ, थोड़ी देर भून लेंगे। इस तरह से अगर आप आलू का मसाला भून के बनाते हैं पराठे तो पराठे कभी नहीं फटते। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल लें। ध्यान रखें कि हमने आटे का जो डो तैयार किया है उसमें भी थोड़ा सा नमक डाला है, इसलिए इसमें कम ही नमक डालें, ज़्यादा ना हो जाए नमक। 5 मिनट बाद आलू अच्छे से भून गया है, बस इसमें हम धनिया की पत्ती डाल के इसको ठंडा होने देंगे। मसाला जब ठंडा हो जाए तभी आप पराठा बनाना शुरू करें, गरम गरम कभी ना बनाएं। और इसके लिए हमने सॉफ्ट आटे का डो तैयार किया, सिर्फ नमक डाल के तैयार किया है, थोड़ा मुलायम आटा लगाया है। उसके बाद हम बराबर साइज़ के गोलियां लेके और उसको कटोरी नुमा शेप दे के मसाला भरते जाएंगे। ऐसे दबा दबा के आलू के मसाले को भरेंगे उसमें। मसाला हमेशा जब ठंडा हो जाए तभी बनाएं पराठे, बहुत आराम से बन जाता है। बस इसको हथेली की सहायता से हल्का सा प्रेस करके और हल्के हाथ से बेलन चलाते हुए फैलाएंगे। आप देख सकते हैं पराठे बिल्कुल नहीं फट रहे हैं। आलू के पराठे ज़्यादा पतले नहीं बनते, थोड़े मोटे ही रखेंगे इसको हम इस तरह से। बस गरम तवे पर डालेंगे उसको और थोड़ी देर एक साइड अच्छे से सिक जाने के बाद ही पलटें, तुरंत ना पलटें। इसके बाद इसमें तेल, घी, बटर जो आप पसंद करते हो डाल के बनाएं। मैंने थोड़े थोड़ा तेल लगा के इसको बनाया है। आप देख सकते हैं पराठे कितने अच्छे से फूल रहे हैं। इस तरह से दबाते हुए इसको अच्छे से सेक लें। पराठे का आटा हमेशा सॉफ्ट लगाएं और थोड़ी देर पहले से गूंथ के रख दें। आटा अच्छे से फूल जाता तो पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। इसी तरह हम दूसरे में पराठे बना लेंगे।
हम देख सकते हैं सभी पराठे कैसे अच्छे फूल रहे हैं। इसी तरह से सभी पराठों को बना लेंगे हम। बस पराठे रेडी हैं खाने के लिए। आप चाहें तो एक दिन पहले भी तैयारी करके रख सकते हैं आलू मसाले की, और सुबह बच्चों को लंच में टिफिन में बना के भी दे सकते हैं। बच्चे बहुत चाव से खाते हैं आलू के पराठे। सारे पराठे रेडी हैं।